इसके दिमाग तो अमीन ऐसे सीधे करेगा ना, ऐसी चार चोर की मार मारेगा कि आसमान से जमीन पे उतर आएगी। है अभी जरा नई नहीं है ना, इसलिए लिहाज कर रहा है इसका। लिहाज किस बात का, कौन सी ये विलायत से आई है? पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही मीठी और पुरखलूस तबीयत की मालिक अदाकारा, जो खुश गुफ्तार और बहुत ही मिलनसार इंसान थी, कराची सेंटर के बेशुमार ड्रामों में काम किया। उनकी आवाज और अदायगी की तारीफ ना करना ज्यादती होगी। पीटीवी की सीनियर अदाकारा राशिद याकूब साहिबा। आप ये मेरे अंकल है आया, ये मुझे मिले थे। शुक्र है तुम्हें भी मिल गए। शादी वाले दिन जब तुम यतीम खाने से फरार हुई थी ना, तो ये बेचारे मेरे पास आए थे। बहुत परेशान थे कि जिस बच्ची का इन्होंने बरसों पहले यतीम खाने में दाखिल कराया, अब कहाँ है। ये तुम क्या कह रही हो आया? हाँ। राशिद याकूब कराची से ताल्लुक रखने वाली बहुत ही प्यारी फनकारा थी, जो शूटिंग सेट पर अक्सर घर से खाना बनाकर लाया करती थी और साथी फनकारों को खिलाती। जूनियर फनकारों से मोहब्बत की एक झलक का इस बात से अंदाजा लगाएं कि राशिदा याकूब घर से उनके पसंद का खाना बनाकर लाती। आज की इस वीडियो में राशिद याकूब आपा के फनी सफर और जाती जिंदगी के मुतालिक बात करेंगे। उनका आखिरी वक्त कैसा गुजरा, मुश्किल से भरी जिंदगी का कैसे डटकर मुकाबला किया। वो सुनने में ये भी आया था कि उसके आखिरी वक्त में ड्रामा प्रोड्यूसर्स ने उन्हें इलाज के लिए छुट्टी तक न दी और उसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान वो इस दुनिया से चली गई। राशिदा याकूब का ताल्लुक कराची से था और कराची में ही पैदा हुई। वालदा मुंबई से थी जबकि वालद कराची से। वालद एक निजी कंपनी में जनरल मैनेजर थे। राशिदा याकूब का बचपन नानी के घर गुजरा। जब नानी की वफात हुई तो अपने माँ बाप के घर आ गई। ये टोटल 9 बहन भाई थे। मैट्रिक कराची से किया। मैट्रिक के दौरान ही घर वालों ने शादी कर दी। वालदा वर्किंग वुमेन थी, पेशे के एतबार से नर्स थी। राशिदा का भाई अनवर शौर शायर हैं। 1976 में पढ़ाई के दौरान शादी कर दी गई। जिससे शादी हुई उसका नाम था मोहम्मद याकूब, जो उम्र में उससे काफी बड़े थे, लेकिन राशिदा ने अपने माँ बाप के फैसले के सामने सर झुकाया और अपने मजाजी खुदा की खिदमत में लग गई। राशिदा याकूब और मोहम्मद याकूब ने मिसाली अजवाजी जिंदगी बसर की। शादी के बाद पढ़ाई दोबारा शुरू की क्योंकि शोहर ने हर मौके पर अपनी बीवी को सपोर्ट किया, मगर बहुत जल्द बच्चों में मसरूफ हो गई जिस वजह से पढ़ाई छोड़ दी। राशिदा याकूब के 5 बच्चे हुए, जिनमें 1 बेटा और 4 बेटियां। अपने बच्चों को मुकम्मल दीनी तालीम दी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी, मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं थे। अपने शोहर का कदम कदम पर साथ दिया। शोहर रोजगार के सिलसिले में शारजा चले गए, पीछे बच्चों की जिम्मेदारी राशिदा याकूब के अकेले कंधों पर आ गई। लेकिन शोहर अपनी बीवी और बच्चों के बगैर ना रह सके और बहुत जल्द वापस पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आकर खुद का बिजनेस शुरू किया, एक फैक्ट्री लगाई, मगर वो फैक्ट्री ना चल सकी और तमाम सरमाया डूब गया। शोहर के कारोबार में नाकामी पर राशिदा याकूब ने कुछ करना चाहा कि वो अपने शोहर का हाथ बटा सके राशिदा याकूब ने जॉनसन एंड जॉनसन और फैमिली प्लानिंग में नौकरी करना शुरू कर दी, लेकिन बहुत जल्द शोबिस का रुख कर लिया। पहला ड्रामा था लबैक, जिसमें वो एक हिंदू औरत के रूप में सामने आई। ड्रामे के इस पहले ही किरदार में खुद को बेहतरीन साबित किया और टीवी ड्रामों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद कॉमेडी ड्रामा हाय जेदी, गरीबे शहर, मेरी जात जर्रा बेनिशा, बरजख और दिल तो पागल है में काम किया। मुख्तलिफ टेली फिल्म्स और लॉन्ग प्लेज में भी काम किया और मजीद कामयाबी समेटी। टीवी ड्रामों के अलावा टेली फिल्म्स और सिल्वर स्क्रीन का भी हिस्सा बनी। राशिदा याकूब को माँ के किरदार के लिए परफेक्ट समझा जाता था। बेशुमार प्रोजेक्ट्स में माँ के किरदार में देखी गई। मैं तो कहती हूँ बहन कि कह सुनकर तुम भी निसार को कोयत भेज दो। अरे बहन, मेरा जोर अब कहाँ चलता है। बतूल ही कहेगी तो शायद मान जाए। बतूल, तू कहती क्यों नहीं उसे? 2010 में राशिदा याकूब को अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस हुईं। उसका वजन तेजी से गिरने लगा। चेकअप करवाया और टेस्ट करवाए तो मालूम हुआ कि उसे जिगर का कैंसर हो चुका है। इलाज शुरू करवाया, लेकिन इलाज के साथ ही टीवी ड्रामों में भी काम जारी रखा। लेकिन जब तकलीफ हद से बढ़ने लगी तो एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान राशिदा याकूब ने उस ड्रामे के प्रोड्यूसर से इजाजत तलब की कि वो अपने इलाज के सिलसिले में चंद हफ्ते काम नहीं कर सकती। लेकिन उस ड्रामा प्रोड्यूसर ने कहा कि पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करो
पहले तकमील के मराहल से गुजरने वाले ड्रामों को मुकम्मल करो, फिर अपना इलाज शुरू करवाना। राशिद यकूब की एक बेटी नवीन यकूब भी पाकिस्तान के चंद ड्रामों में काम कर चुकी हैं। शूटिंग के दौरान अचानक तबीयत खराब हुई, जिस पर हॉस्पिटल ले जाया गया। चंद दिन वहां जेरे इलाज रही। बिलाखर 11 मई 2011 को जिंदगी की बाजी हार गईं। राशिद यकूब आपा को जिगर का कैंसर था, जो कि तीसरी स्टेज पर था, जिसका इलाज नामुमकिन हो चुका था। मदनी मस्जिद कराची में नमाज जनाजा अदा की गई और गुलस्ताने जौहर मेमन हॉस्पिटल के सामने वाले कब्रिस्तान में असुदेखा कर दिया गया। युमाजी की नामवर वर्सटाइल और प्योर फनकारा मनो मट्टी तले जा सकती। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के लिए राशिद यकूब आपा की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। 2021 में राशिद आपा के शोहर मोहम्मद यकूब का भी इंतकाल हो गया। बेटा सिविल इंजीनियर है, जबकि बेटियों की शादियां कर दी हैं, जो अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। राशिद यकूब आपा के बेटे की रहाइश आज भी कराची लियाकताबाद में मुकीम है। दोस्तों, अगर वक्त है तो एक बार सूरह फातिहा और तीन बार सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। अल्लाह पाक रमजान के इस बाबरकत महीने में राशिद यकूब आपा की मगफरत फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत अता करे। चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। स्क्रीन पर आप इस वक्त जो थंबनेल चलते हुए देख रहे हैं, ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं। अगर इनमें से कोई वीडियो देखनी है तो इन तमाम वीडियोस का लिंक उन्हीं प्लेलिस्टों में मौजूद है, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, जिनके नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज और फेमस पर्सनैलिटीज। इसके अलावा भी बेशुमार प्लेलिस्टें मौजूद हैं, जिनको एक बार लाजमी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। We'll be right back.